कहा हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर से कुछ बेहतरीन करंट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं और लगातार इस सीरीज में आपके लिए लाता रहूंगा जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन न हो जाए। तो लगातार सेशन के साथ जुड़े रहिए। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। मनीष कुमार जी, आशा कुमारी, राघवेंद्र जी, अकबर अली जी, सलोनी पॉल, राहुल राणा जी, संजना कुमारी, लर्न विद ओंकार, आशा कुमारी, संजना कुमारी, प्रभात कुमार चौहान, राज परमीत, सभी को शुभकामनाएं। आर्या भारती, काजल कुमारी, एनके शर्मा, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। अनीश कुमार जी, एनके शर्मा जी, बरखा सिंह, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। पिंटू जी, निश्चय जी, सबको नैन्सी प्रिया, नैन्सी प्रिया, मोहम्मद रहमान, शुभम जी, प्रभात जी, प्रवीण जी, रुपेश जी, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अजय कुमार जी, सेशन को अपने सारे ग्रुप में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप, सारे टेलीग्राम चैनल, जहां भी आपके लिंक हैं, सभी जगह सेशन को शेयर कर दे। कुमारी डॉली, सरोज कुमारी, जितने लोग जुड़े हैं, संजीव कुमार, काजल कुमारी, अजय कुमार जी, सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए। काजल कुमारी, आशा कुमारी, सबका, सब लोग, जो जो लोग, जिन लोगों के, जो लोग जुड़ चुके हैं सेशन के साथ, सब लोग सेशन को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक को शेयर कर दीजिए। अगर मेहनत बेहतर लग रहा है आपको कि टीचर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए बेहतर से बेहतर करंट ला रहे हैं, तो आपका ये ड्यूटी है कि आप शेयर करें, शेयर कर दीजिए मैक्सिमम, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच सके। तो आज हम लोग बेहतरीन करंट अफेयर के साथ फिर उपस्थित हैं, जिसमें हमने कोशिश किया है कि कुछ उत्तर प्रदेश स्पेशल, कुछ बिहार स्पेशल, इन सब करंट को लाया जाए, ताकि सभी राज्य के पेपर देने वाले लोगों को इसका फायदा हो। तो हम कंप्लीट, एक हमारा टारगेट है, दिल्ली से लेकर पटना तक जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं, सभी का करंट में करा दूं। तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग, काजल कुमारी, चंद्र श्रीकांत रवि, सुभाष कुमार यादव जी, राधे राधे, सबको राधे राधे, सबको शुभकामनाएं। राधे राधे, हर हर महादेव, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जो भी होता है, सबको शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं इसी के साथ। सामने आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी है, सामने बैठे एक मंत्री जी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी है। देखिए आज का पहला करंट क्या है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सामने है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता यानी कि सोशल जस्टिस मिनिस्टर, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले से एकीकृत सेवा वितरण मोबाइल बैंक की शुरुआत की है। एकीकृत सेवा वितरण मोबाइल बैंक की शुरुआत की है, कहां से? मध्य प्रदेश के छतरपुर से।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से क्या शुरू की गई है, एकीकृत सेवा वितरण मोबाइल बैंक, इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा, तो यह शुरू किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एकीकृत सेवा वितरण मोबाइल बैंक की शुरुआत की गई है, तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता सामग्री भी वितरित किया गया है। इस योजना के तहत वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को यानी बुजुर्गों को सहायता सामग्री भी इन्होंने वितरित किया है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एकीकृत सेवा वितरण मोबाइल बैंक की शुरुआत की है। एकीकृत सेवा वितरण मोबाइल बैंक ये पूरे भारत के लिए होगा, पर इसकी शुरुआत कहां से की गई है भाई, इसकी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई है एकीकृत सेवा वितरण मोबाइल बैंक की शुरुआत किसने किया है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो सेशन को शेयर कर दीजिए लगातार, सेशन बेहतर लग रहा है तो सेशन को लाइक, बगल में एक लाइक बटन है लाइक दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए बेहतर लग रहा है तो, और सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए। आज बेहतरीन मार्वेलस और अच्छे करंट के साथ मैं आया हूं, ध्यान से अंतिम तक रहिएगा जुड़े हुए ताकि आपको सारे करंट का लाभ मिल सके। केंद्रीय श्रम और रोजगार वन पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव है, क्या है भाई भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय श्रम रोजगार वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। हरियाणा के मानेसर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास 100 नहीं, यहां पर गलती से टाइप हो गया है, 500 बिस्तर वाले अस्पताल की आधारशिला रखी है। हाल ही में पूछा जाए कि ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, तो ये है भूपेंद्र यादव। वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, ये भी कौन है, भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा हरियाणा में गुड़गांव के पास एक जगह है, हरियाणा में गुड़गांव के पास एक जगह है मानेसर, मानेसर गुड़गांव मानेसर को बोलते हैं हम लोग, भारत का ऐसे कह सकते हैं आप, हरियाणा का डेट्रॉयट कहा जाता है, हरियाणा राज्य का डेट्रॉयट, मानेसर को हरियाणा राज्य का डेट्रॉयट कहा जाता है, हरियाणा राज्य का डेट्रॉयट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यहां पर मोटर गाड़ी उद्योग है, दुनिया में जहां भी मोटर गाड़ी उद्योग लगता है उसे वहां का डेट्रॉयट कहते हैं। मारुति का हेडक्वार्टर यहीं पर है, मारुति जो कंपनी है गाड़ी की उसका हेडक्वार्टर कहां है जी, गुड़गांव के पास, गुड़गांव जिसको हम लोग गुरुग्राम बोलते हैं, गुड़गांव के पास मानेसर में है, और मानेसर में ही भूपेंद्र यादव ने क्या किया है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास 500 बेड वाला एक अस्पताल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला, और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। पूछा गया कि हाल ही में 500 बेड का अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया, मानेसर में, किसने किया, भूपेंद्र यादव ने किया। हरियाणा का डेट्रॉयट किसको बोलते हैं, मानेसर को बोलते हैं। मारुति कंपनी का भारत में कहां हेडक्वार्टर है भाई, तो मानेसर में, मानेसर कहां है, हरियाणा में गुड़गांव के पास। सामने भूपेंद्र यादव जी का पिक दे दिया है, सामने देखिए आप, भूपेंद्र यादव ये मंत्री हैं, सामाजिक क्या है भैया, भूपेंद्र यादव क्या है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, यानी पर्यावरण मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो भूपेंद्र यादव है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट करंट पर बढ़ते हैं। 17वां अंतर्राष्ट्रीय मुंबई फिल्म समारोह, इसका आयोजन किया जाएगा 29 मई से 4 जून 2022 तक। 17th नंबर का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इस बार कैवे नंबर का होगा, 17वें नंबर का, 17th। ध्यान से देखो और मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग सेशन से जुड़ सके। तो 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म
समारोह 29 मई से 4 जून 2022 तक कहां किया जाएगा? मुंबई के फिल्म डिवीजन परिसर, मुंबई के फिल्म डिवीजन परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप जानते हैं इस बार सरकार के द्वारा क्या मनाया जा रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव। उसका लोगो क्या बनाया गया है? भारत@75। जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसका लोगो क्या है? भारत@75। पूछा जाए कि 17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब सेलिब्रेट होगा भाई? तो 29 मई से 4 जून 2022 के बीच ये कहां होगा? मुंबई फिल्म डिवीजन परिसर में होगा। और इस बार जो आजादी के 75 साल पूरे हो गए उस उपलक्ष्य में एक नया अवार्ड, इस फिल्म समारोह में एक नया पुरस्कार दिया जाएगा, एक नया अवार्ड दिया जाएगा इसी अमृत महोत्सव के नाम से, आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से एक नए विशेष पुरस्कार की स्थापना भी की गई है। मतलब इस बार के फिल्म महोत्सव में एक अलग से एक पुरस्कार दिया जाएगा, विशेष पुरस्कार, जो किसके नाम से होगा? आजादी के अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से एक नया पुरस्कार स्थापित किया है सरकार ने, और उस पुरस्कार इस बार मुंबई के जो 17वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है उसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो तो दिया ही जाएगा, एक नया पुरस्कार भी दिया जाएगा फिल्म में, जिसका नाम होगा अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव स्पेशल अवार्ड भी इस बार दिया जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, सामने मैंने चित्र दे दिया है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई का एक चित्र दे दिया है, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अगले करंट की ओर। अगला करंट है कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। देखो जो भी करंट लाया गया है उसका सोर्स मैं बता देता हूं आपको। ये करंट PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO, इसके अलावा जितने भी अखबार है, न्यूज़पेपर है, उन सब से लाया गया। जो एक दो दिन के अंदर जो खबरें आई है वो यहां पर लाया गया आपके लिए, ताकि आपको किसी भी सोर्स का मलाल ना हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, एक एक न्यूज पेपर को कवर किया गया है। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, लगातार सेशन से जुड़ जाओ। इस बार का 17वां फिल्म समारोह कहां होगा? मुंबई में होगा। उसमें एक नया पुरस्कार दिया गया है, भारत के अमृत महोत्सव विशेष पुरस्कार, एक न्यू पुरस्कार डेवलप किया गया है, भारत के अमृत महोत्सव विशेष पुरस्कार। अब आ गया ये जो सामने चित्र मैंने दिया है, ये एपीडा का चित्र है। एपीडा, APIDA, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, यानी ए, यानी आप कह सकते हैं APIDA, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, APEDA होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, एपीडा, APEDA। इसका मेन काम होता है जो कृषि आधारित उत्पाद है, कृषि आधारित जो प्रोडक्ट है, जैसे चीनी क्या है, शुगर क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जूट क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जैसे जैसे ग्राउंड नट ये क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, सोयाबीन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, आप जानते हैं पल्सेज क्या है, दाल क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है बात, कॉटन टेक्सटाइल क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसके निर्यात दुनिया में, उसकी डिमांड कैसे बढ़े, उसका एक्सपोर्ट कैसे हो, उस पर जो काम करती है ऑथोरिटी, उसका नाम है एपीडा। क्या नाम है? एपीडा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी। इसके द्वारा ही काम किया जाता है कि भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को कैसे हम आगे बढ़ाएं। नोट कर लीजिएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाएं उसके लिए कौन काम करती है? एपीडा। तो एपीडा 13 फरवरी को 36वां स्थापना दिवस मनाया है। एपीडा जो है कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अपने स्थापना के कैवा दिवस मनाया भाई, 36वां स्थापना दिवस। एपीडा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को
एपीडा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी को ही 1986 में एपीडा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यह क्या करती है भाई, मुख्यतः कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। आज भारत के कृषि निर्यात टोटल निर्यात का कितना प्रतिशत हो गया है, 49% एपीडा के ही प्रयास से, एपीडा के कोशिश से आज हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसका निर्यात बढ़ के कितना प्रतिशत हो गया भैया, 49%। एपीडा की स्थापना कब की गई थी, 1986 में। इस बार उसका 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, 13 फरवरी को, 13 फरवरी 2022 को एपीडा का, यानी कल ही, 13 फरवरी कल ही था ना, कल मनाया गया है कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का 36वां स्थापना दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। काम क्या है भाई, उसका काम है कि जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसके निर्यात कैसे बढ़े, उसका दुनिया में डिमांड कैसे बढ़े, उस पर वो काम करती है। और अभी उसी के काम का नतीजा है कि टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 49% अकेले किस, कौन सा उत्पाद होता है भैया, कौन सा उत्पाद होता है, कृषि उत्पाद। आज टोटल 100 रुपया का सामान अगर दुनिया में हम बेचते हैं तो 49 रुपया का सामान क्या बेचते हैं, जो कृषि से हमको प्राप्त होता है, चाहे वो जूट का थैली हो, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल सूती कपड़ा हो, या वो रेशमी कपड़ा हो। ये भी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रेशमी कपड़ा भी क्या है, अरे शहतूत के पेड़ पर कीड़ा पालते हैं रेशम के, वो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। चाहे वो चाहे जो भी हो, हम लोग कृषि से जो भी प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं उसके निर्यात में भारत का अभी बात पे पूरे निर्यात का, पूरे एक्सपोर्ट का 49% एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का निर्यात होता है। ये परसेंटेज आप लोग याद रखिए। देखिए सामने एपीडा का मैंने लोगो दिया है, काफी खूबसूरत लोगो इसका है, आप देख लीजिए भाई, काफी खूबसूरत बेहतरीन लोगो है, इसको देख लीजिए आप। एपीडा स्थापना कब हुआ, 1986, कब, 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को ही मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है भाई। अब प्रधानमंत्री मन की बात भी कहा करते हैं, अभी कहा करते हैं मेरे भाई, रेडियो पर। प्रधानमंत्री मन की बात टीवी पर नहीं करते, कहा करते हैं, रेडियो पर करते हैं। वो आपको दिखाई नहीं देंगे, उनकी आवाज सुनाई देगी आपको, है ना। मन की बात कर भी कहा सकते हैं प्रधानमंत्री, मन की बात करने के लिए कोई जगह हो तब ना, रेडियो पर बेचारे करते हैं, कहा करते हैं, रेडियो पर। और भी कई जगह हो सकते थे, सब तो त्याग चुके हैं तो कहां करेंगे बात, नहीं जी। मन की बात करने कहां आते हैं प्रधानमंत्री, रेडियो पर। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, नोट कर लीजिए। और इस पर प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को, सारे रेडियो के श्रोताओं को, अब रेडियो के श्रोता बचे कहां है, गिने चुने लोग रेडियो पर प्रोग्राम सुनते हैं, वरना मोबाइल आ गया तो टीवी भी लोग छोड़ दिए। आजकल मोबाइल आने के बाद टेलीविजन अगर ऑन भी हो जाए तो लोग टेलीविजन कहां देखते हैं, आप देखते हैं आप टेलीविजन, टेलीविजन ऑन भी होता तो आप नहीं देखते भाई, क्या देखना है, सामने टीवी चल रहा है, हम मोबाइल पे लगे हैं, तो टेलीविजन का ही वैल्यू कम हो गया। और मोबाइल में हम 90% फालतू बात देखते हैं, ये बात भी मान लीजिए आप, 10% ही काम की बातें होती है, पता नहीं वो भी होता है कि नहीं होता, भगवान ही जाने। तो भैया हम लोग रेडियो का महत्व तो भले ही कम कर दिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी, नोट कर लो मेरे भाई। और रेडियो तरंग का खोज किसने किया, रेडियो का ये जो बाजा, गांव में इसको बाजा कहते हैं, रेडियो गांव में क्या बोलते हैं जी, बाजा, बाजा पर 7:30 का समाचार सुनना है भैया, तो 7:30 वाली समाचार, अब बीबीसी लंदन से जो प्रोग्राम आता था वो सुनते थे रेडियो पर। तो रेडियो कहीं गायब हो चुका है, लेकिन रेडियो का जो खनक था पूरे गांव में, एक बार बज जाता था शाम को 7:30 बजे, तो इस कोने से उस कोने तक आवाज जाती थी गांव को, सन्नाटे में रेडियो ही था जो गांव को छंकारित करता रहता था रात के समय भी, क्यों जी। तो विविध भारती, बीबीसी लंदन, इन सब पर गाने और समाचार सुन के हम बड़े हुए हैं। तो रेडियो का खोज किसने किया, इस बाजा का खोज किसने किया, तो किया मार्कोनी ने। और रेडियो तरंग का खोज किसने किया, रेडियो तरंग का खोज किसने किया, ये किया डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, नोट कर लो। अगर आपसे पूछे कि रेडियो तरंग का खोज किसने किया, रेडियो वेव का खोज किसने किया, तो आंसर होगा डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। और
पूछा जाए रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी। रेडियो जो बाजा है उसका आविष्कार किसने किया, मार्कोनी। और रेडियो तरंग का खोज किसने किया, तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। और रेडियो दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। प्रधानमंत्री ने सारे श्रोताओं और उस पर काम करने वाले लोगों के प्रतिभा और रचनात्मकता के लिए क्या दी है, क्या दी है भैया, बधाई दी है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस पर रेडियो को सुनने वाले और रेडियो में काम करने वाले लोगों को क्या दी है, बधाई दी है। और कहा है कि रेडियो को मरने न दे, रेडियो को जाने न दे, रेडियो को जिंदा रखें, पर उससे बेहतर क्वालिटी मिल रहा है तो किस बात का हम लोग रेडियो रखें। एक जमाना था जब हम लोग कैसेट में देखते थे सिनेमा, रील वाला कैसेट होता था, और आज जमाना क्या आ गया है, बस सीधे क्या होता है वहां से वहां मोबाइल में हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं मूवी को। आगे आते हैं विश्व रेडियो दिवस और एपीडा का स्थापना दिवस, दोनों 13 फरवरी, नोट कर लिए। एपीडा का स्थापना दिवस भी कब, 13 फरवरी। और एपीडा का काम क्या है, सीधे भी क्वेश्चन आ सकता है, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। भूलोगे कितना प्रतिशत है भारत में अभी कृषि निर्यात, 49%, 49%। आगे आइए, अभी निजी यात्रा पर केन्या के पूर्व राष्ट्रपति, केन्या एक अफ्रीका का देश है, केन्या अफ्रीका का एक देश है जो विषुवत रेखा पर स्थित है, अफ्रीका महादेश में केन्या एक देश है जो इक्वेटर पर स्थित है। वहां के पूर्व राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे के अवसर पर इंडिया घूमने का मन किया कि चलते हैं इंडिया घूम के आते हैं, वो निजी यात्रा पे आए थे। लेकिन निजी हो चाहे वो सार्वजनिक हो, है तो पुराने राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री को बनता है कि उनका स्वागत करें। एक लेवल का व्यक्ति ही लेवल के व्यक्ति से मिलेगा ना जी, तो प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है। उनका नाम है केन्या के जो पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम है महामहिम रैला अमोलो अडिंगा। रैला अमोलो अडिंगा ये अपनी वाइफ के साथ इस वैलेंटाइन के अवसर पर अपनी प्राइवेट ट्रैवलिंग के लिए निजी यात्रा पर कहां आए हैं, भारत आए हैं। उनका स्वागत किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उनको सराहा है। किस लिए सराहा है भाई, तो 2009 से 2012 के बीच हुए वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में उन्होंने काफी समर्थन किया था। केन्या के राष्ट्रपति रैला अमोलो ओडिंगा से मुलाकात किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और बोले हैं कि भाई जब आप राष्ट्रपति थे केन्या के, 2009 से 12 के बीच हमारे यहां हुआ था वाइब्रेंट गुजरात, और आज भी होता है वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन, उद्योगपतियों को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गुजरात में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है वाइब्रेंट गुजरात समिट, वो हर साल आज भी होता है। तो उस जमाने में जब 9 से 12 के बीच वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था तो केन्या के राष्ट्रपति ने इसका काफी समर्थन किया था। इस बात का भी जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने किया है कि आपका ढेर सारा धन्यवाद जो आपने वाइब्रेंट गुजरात को क्या किया है, काफी समर्थन दिया है। तो केन्या के पूर्व राष्ट्रपति हैं रैला अमोलो ओडिंगा, ये अपने निजी यात्रा पर कहां आए हैं, भारत आए हैं, जहां किस बात के लिए धन्यवाद मिला है, 9 से 12 के बीच जो केन्या के इस ओडिंगा साहब जो राष्ट्रपति थे जब, तो वाइब्रेंट गुजरात को क्या किया था उन्होंने, काफी समर्थन दिया था। इस बात को लेकर मोदी जी ने धन्यवाद दिया है, नोट कर लो, केन्या की राजधानी नोट कर लो मेरे भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी भी हम लोग ले लेते हैं। केन्या की राजधानी है नैरोबी, नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी, नोट कर लो। और नैरोबी में क्या है, नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका स्थापना 5 जून 1972 को, कल मैंने बताया था 5 जून 1972 को यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना, उसका स्थापना 5 जून 1972 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, नैरोबी, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, नैरोबी केन्या की राजधानी है। केन्या किस महादेश का देश है, केन्या अफ्रीका महादेश का एक कंट्री है, क्लियर है। और केन्या में कौन सा झील है, विक्टोरिया झील, केन्या में कौन सा झील है भैया, विक्टोरिया झील, लिख लो, केन्या में विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील है। कौन आए हैं, रैला अमोला ओडिंगा, नोट कर लीजिएगा, केन्या में, केन्या के नैरोबी में कौन सा झील है, विक्टोरिया लेक है। नेक्स्ट आइए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट, अगला करंट काफी इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दो भैया सभी जगह।
चलिए सभी लोग शेयर कर दो। सुरभि सिंह, नवाज, नुसरत जहां, जसवंत जी, आकांक्षा राज, सभी लोग जितने, आकाश, अंकेश राज सॉरी, आशुतोष कुमार, प्रेम, प्रेमचंद्रा, सभी लोग शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। सब लोग सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो भाई। नरेंद्र मोदी जी ने 13 फरवरी को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2022 को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की बृहद अम्ब्रेला योजना जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। नरेंद्र मोदी ने पुलिस बलों को, पुलिस बल जो है उसके मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के लिए क्या चलाया है, एक अम्ब्रेला योजना चलाया है। एक अम्ब्रेला योजना, अम्ब्रेला योजना का मतलब जानते हैं आप, पुलिस का विकास हर तरीके से करना। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, पुलिस का ड्रेस से लेकर उनके हथियार से लेकर उनको डिजिटल बनाने तक, हर तरीके से पुलिस के विकास के लिए, पुलिस को मॉडर्न बनाने के लिए, हर एक तरीके से मॉडर्न बनाने के लिए अभी मंजूरी प्रदान कर दी है मोदी जी ने बृहद अम्ब्रेला योजना। इसका कार्यकाल होगा 21-22 से 25-26, यानी 22 से लेकर 26 तक, यानी कि ये जो अम्ब्रेला योजना होगा, इस योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा कितने सालों में, 4 सालों में, 22 से 26 के बीच। नोट कर लीजिए, पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए एक अम्ब्रेला योजना चलाई गई है, जिसका कार्यकाल है 21-22 से लेकर 25-26 के बीच। इसमें टोटल 26,275 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 26,275 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में 13 फरवरी को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है, तो बृहद अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी गई है। उसमें कितना खर्च आएगा, 26,275 करोड़ रुपए। कब से कब तक का प्रोग्राम होगा, 2021-22 से लेकर 25-26 तक के बीच का ये प्लान होगा। इसकी क्या विशेषता है, जरा देखें इस योजना में क्या किया गया, इसकी विशेषता क्या है, इस योजना का विशेषता क्या है, जरा देखा जाए इसमें है कि इस योजना के तहत क्या किया जाएगा। आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, पुलिस द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए काम किया जाएगा। मादक पदार्थ, जो मादक पदार्थ है यानी जो ड्रग्स वगैरह है, उस पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। देश में एक मजबूत फॉरेंसिक व्यवस्था विकसित करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर तथा उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी काम किया जाएगा। कितना खर्च किया जाएगा, 18,839 करोड़। समझ में आ गया, अम्ब्रेला योजना में जो पुलिस को मॉडर्न किया जाएगा, अम्ब्रेला योजना के तहत पुलिस को मॉडर्न किया जाएगा, उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाएगा, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक किया जाए, पुलिस द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को का प्रयोग किया जाए, ड्रग्स का जो यूज होता है उसके लिए राज्यों को सहायता दी जाए, ड्रग्स के जो यूज होता है उसमें राज्यों को सहायता दी जाए, और साथ ही साथ देश में एक मजबूत फॉरेंसिक व्यवस्था विकसित करने और आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको कंट्रोल करने की बात हुई है, जो उग्रवाद है पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य का मतलब नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद है, आप सुने होंगे जो अभी असम में उल्फा उग्रवादी का नाम सुना होगा आपने, असम में इस तरह से कई उग्रवादी संगठन है नॉर्थ ईस्ट में, उस पर कंट्रोल करना है। और वामपंथी उग्रवाद का मतलब जानते हैं क्या होता है, वामपंथी उग्रवाद मतलब माओवादी। माओवादी कहां है भैया, बंगाल से लेकर पूरा आंध्र प्रदेश, जिसको हम रेड कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। रेड कॉरिडोर किसको बोलते हैं, जहां पर नक्सलिज्म, नक्सलवादी का विकास भारत के कई राज्यों में है, जिसमें बंगाल से लेकर उड़ीसा होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश तक उसका विकास है, इसी को बोलते रेड कॉरिडोर। तो रेड कॉरिडोर में जो भी वामपंथी उग्रवाद है उसको कंट्रोल करना, ये सब इस नीति में शामिल है। यानी अभी पूछा जाए कि सरकार ने
अभी अम्ब्रेला योजना शुरू की है पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, जिसमें 26,275 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यही याद कर लीजिए, 21-22 से लेकर 25-26 तक इस योजना का क्या मिल सकेगा, लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ इसके तहत क्या किया जाएगा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, पुलिस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, ड्रग्स के जो यूज होता है उसमें राज्य सरकारों को मदद की जाएगी, एक फॉरेंसिक व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि ताकि लोगों को क्या किया जाए, जो अपराधी है उनको कंट्रोल किया जाए, डिटेक्ट किया जाए। साथ में जो न्याय प्रणाली है उसको भी विकसित करने की बात की गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य और जो रेड कॉरिडोर है उसको क्या किया जाए, रेड कॉरिडोर में जो नक्सल गतिविधि है उसको कंट्रोल किया जाए, इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक बोर्ड में, अभी भारत सरकार ने हाल ही में एक स्थापित किया था राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था, क्या वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित किया गया था राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक। इसमें इसके बोर्ड में 3 स्वतंत्र निदेशक, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। इस विकास बैंक की स्थापना कितना 20,000 करोड़ रुपए से की गई थी, 20,000 रुपए के अधिकृत पूंजी से। पूछा जाए कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक की स्थापना किया गया था 20,000 करोड़ रुपए के अधिकृत पूंजी से, इसमें 3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, ये जो न्यूज है कल का न्यूज है, इसमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। मतलब इसमें जितने डायरेक्टर होंगे उसमें से 3 क्या होंगे भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, 3 क्या होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब उनमें बोर्ड का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो जो 3 डायरेक्टर होंगे बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड के MD उनका इस पर विशेष प्रभाव नहीं होगा, ये स्वतंत्र रूप से बैंक के अंदर क्या ले सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे। तो हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय अवसंरचना विकास वित्त पोषण एवं विकास बैंक के बोर्ड में 3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। इस बैंक का स्थापना 20,000 करोड़ रुपए के अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल से इस बैंक की शुरुआत वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। सामने देखो लिखा है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021, इसकी स्थापना जो की गई थी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत इस बैंक की स्थापना की गई थी 20,000 रुपए के ऑथराइज्ड कैपिटल से। इसमें 3 स्वतंत्र निदेशक भी, 3 यानी 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इसके अंदर होंगे, सरकार ने भी इसके लिए निर्णय लिया है। आगे आइए, ये बिहार स्पेशल न्यूज है, बिहार के गोपालगंज में। आप लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा बिहार स्पेशल भी कर दिया कीजिए, चलिए बिहार स्पेशल देख लिए। बिहार के गोपालगंज में 4 अलग अलग एथेनॉल कंपनियों के द्वारा 450 करोड़ का निवेश किया जाएगा, क्या किया निवेश किया गया है बिहार के जो गोपालगंज है। आप जानते हैं बिहार का जिला है गोपालगंज, अभी सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो बिहार में, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है भैया, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है, कौन है भाई, गोपालगंज। इसमें 1,000 पुरुष पर जो है कितनी महिलाएं हैं, 1,015 महिलाएं। यहां पर 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1,015, आंकड़ा याद रखिए, बिहार स्पेशल में काम आएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है भैया, गोपालगंज में, और गोपालगंज में इथेनॉल के उत्पादन के लिए, इथेनॉल के उत्पादन के लिए आपको पता है कि बिहार के जो उत्तरी पश्चिमी जिले हैं वहां गन्ना की बहुत ज्यादा खेती होती है, और जहां गन्ना की खेती होती है वहां इथेनॉल उत्पादन करना बिल्कुल आसान होता है। तो 4 बड़ी कंपनियों के द्वारा 450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है गोपालगंज में, 4 बड़ी कंपनियों के द्वारा 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। किसके उत्पादन के लिए, इथेनॉल उत्पादन के लिए, और कहां किया गया है, गोपालगंज के सिघवलिया और सोनासती, दो स्थान है, यहां पर चीनी मिल है,
गोपालगंज के सिघवलिया और सोना सती, कोई गोपालगंज से हो तो कमेंट करो, कोई गोपालगंज से हो तो कमेंट करो, लगातार सेशन को शेयर कर दो। गोपालगंज में एथेनॉल उत्पादन के लिए कितना किया गया है, 450 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है सिंघवलिया और सोना सती में। सिंघवलिया गोपालगंज के सिंघवलिया और सोना सती में 450 करोड़ रुपए का निवेश किसके लिए किया गया है, इथेनॉल उत्पादन के लिए। और आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में इथेनॉल के उत्पादन के लिए E100 नोट कर लो, अभी भारत सरकार ने भी इथेनॉल के यूज और उसके उत्पादन के लिए E100 प्रोग्राम चलाया है, नोट कर लो। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा E100 प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। E100 प्रोग्राम यानी इथेनॉल 100, इसके तहत कहा गया है कि भारत में 2030 तक 25% इथेनॉल का यूज प्रारंभ कर देंगे। 2030 तक भारत में पेट्रोल के साथ कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा, कितना प्रतिशत इथेनॉल का यूज किया जाएगा, 25%। अभी कितना होता है, 8%। पेट्रोल के साथ वर्तमान में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जा रहा है, पेट्रोल के साथ कितना परसेंट मिलाया जा रहा है, 8% इथेनॉल। लेकिन E100 योजना शुरू की गई है किसके द्वारा, तो यह भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिलाया जाएगा, 25%। इससे फायदा क्या होगा, पहला फायदा, जिस पेट्रोल में इथेनॉल ज्यादा होता है वो पॉल्यूशन कम करता है, पहली बात उससे पॉल्यूशन कम होती है। दूसरा फायदा, जिस पेट्रोल में इथेनॉल मिला होता है उस पेट्रोल की इफिशियंसी ज्यादा होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि हम अगर पूरा का पूरा पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल अपने देश में तो है नहीं, तो मंगवाना पड़ता है सऊदी अरब से, मंगवाना पड़ता है ईरान से, मंगवाना पड़ता है इराक से, ऐसे में हमारा फ्री में तो देते नहीं है, उसके बदले उनको हम डॉलर देते हैं, जो हमको तेल वो देते हैं उसके बदले उनको हमको क्या देना पड़ता है, डॉलर। और डॉलर हमारे देश में जब उनके पास डॉलर जाएगा तो हमारे देश का जो डॉलर रिजर्व है वो कमते चला जाएगा, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा हो जाएगा। ऐसे में अगर 25% देश में ही इथेनॉल का क्या करते हैं उत्पादन, आप पेट्रोल में मिला देते हैं, तो जहां 100 लीटर पेट्रोल की जरूरत है वहां 75 लीटर में ही तो काम चल जाएगा, यानी बाहर से हमको 75 लीटर ही मंगवाना पड़ेगा ना भाई, बाकी 25% क्या कर रहे हैं हम लोग, इथेनॉल मिला रहे हैं। तो इथेनॉल मिलाया जाता है जिस पेट्रोल में, सुन लो, उससे पॉल्यूशन कम होता है, दूसरा फायदा पेट्रोल की इफिशियंसी बढ़ती है, और तीसरा फायदा हम जो बाहर से मंगवाते हैं पेट्रोल उसके लिए हमें डॉलर खर्च करना पड़ता है, वो डॉलर खर्च कम करेंगे, हमारा व्यापार घाटा कमेगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी ठीक हो जाएगा, इसका बहुत फायदा है। मोदी जी ने कहा कि 8% नहीं बल्कि 25% इथेनॉल मिलाइए, पेट्रोल में कितना मिलाइए, 25%। और बता दे इथेनॉल का उत्पादन चावल, मक्का और गन्ना तीनों से होता है, भारत में इथेनॉल उत्पादन किससे किया जाता है, चावल को सड़ाकर भी, इसके अलावा मक्का से यानी मैज से और गन्ना से, नोट कर लो। इथेनॉल के उत्पादन का सोर्स क्या है, चावल, मक्का और गन्ना, चावल, मक्का और गन्ना, मक्का और गन्ना ज्यादा बड़ा सोर्स है, ज्यादातर इथेनॉल का उत्पादन किससे किया जाता है, मक्का और गन्ना से। तो गोपालगंज में इथेनॉल उत्पादन के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, सिंघवलिया, गोपालगंज के सिंघवलिया और सोना सती में क्या किया गया, एक इथेनॉल उत्पादन के लिए 450 करोड़ चार कंपनियों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। और मोदी जी का योजना है, मोदी सरकार का कहना है भैया जब देश के पेट्रोल में 100 लीटर पेट्रोल होगा उसके अंदर 25 लीटर क्या होगा, इथेनॉल होगा, 75 लीटर ही क्या होगा पेट्रोल। तो फायदा समझ में आ गया, क्या उसका फायदा है देश को, उसका फायदा है। तो चलिए गोपालगंज से न्यूज आप लोग याद रखिए, इसी बहाने सरकार, केंद्र सरकार का E100 भी याद कर लिए। अभी देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान हमें जरूर तंग करता रहता है, हमें तंग करता रहता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के हालात देखिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहां है भैया, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, मनीला। इसने कहा है कि पाकिस्तान की व्यापार अर्थव्यवस्था काफी अनुदार है, मतलब इसमें जो ट्रेड होता है पाकिस्तान से जो व्यापार होता है वो अनुदार इसलिए है क्योंकि वहां पर व्यापार करने के लिए जो टैक्स सिस्टम है वो काफी ज्यादा ऊंचा है, टैक्स बड़ी कड़ाई से लिया जाता है,
व्यापार यदि आपको करना है तो उसके लिए जो ट्रेड क्लियरेंस है वो पाकिस्तान सरकार बहुत देर से देती है। मतलब कहने का मतलब यह कि ज्यादा लिबरल नहीं है, कानून कड़े हैं। पाकिस्तान में जो व्यापार संबंधी कानून है ये काफी कड़े हैं, इसलिए वहां से व्यापार लोग करना नहीं चाहते। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान से लोग व्यापार करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो क्या है भैया, पाकिस्तान का जो ट्रेड पॉलिसी है वो काफी लिबरल नहीं है, वो काफी अनुदार है, उदार नहीं बल्कि अनुदार है। इसका व्यापार, पाकिस्तान का व्यापार अर्थव्यवस्था इथोपिया, ब्राजील और सूडान से ही केवल ऊपर है। यानी कि पूरे दुनिया में अगर पूछा जाए कि व्यापार की जो इकोनॉमी है, ट्रेड इकोनॉमी है पाकिस्तान का, वो इथोपिया, ब्राजील और सूडान से केवल ऊपर है, और बाकी सभी देशों से क्या है, नीचे है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई, आपसे हम कुछ खरीदना चाहते हैं और आप, जैसे मैं कुछ खरीदना खरीदने के लिए जाता हूं जैसे ही, वैसे ही आप कहते हैं कि सर हमें, हम तभी आपको कोई चीज बेचेंगे जब आप हमको ये देंगे वो देंगे, कई प्रकार के रूल्स लगा देंगे, तो कभी आप हमसे कुछ खरीदना चाहेंगे आप? तो दुनिया के लोग पाकिस्तान से व्यापार करना क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि उसका जो व्यापार ट्रेड पॉलिसी है वो इतने बड़े कानूनों से, इतने कड़े नियमों से जकड़े हुए हैं कि लोग उस भारत पाकिस्तान से व्यापार करना नहीं चाहते। तो एडीबी ने अभी घोषणा किया है कि पाकिस्तान की जो व्यापार अर्थव्यवस्था है वो काफी अनुदार है, इस कारण से उसकी व्यापार अर्थव्यवस्था केवल इथोपिया, ब्राजील और सूडान से ही ऊपर है। पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में व्यापार का कितना हिस्सा है? मात्र 30%, जो दुनिया के कई देशों से बहुत नीचे है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, और पाकिस्तान के अनुदार अर्थव्यवस्था के बारे में एडीबी ने बताया है और कहा है कि इसको, इसमें बदलाव करने की जरूरत है। इसका अर्थव्यवस्था, इसका जो ट्रेड इकोनॉमी है वो मात्र इथोपिया, ब्राजील और सूडान से ही केवल ऊपर है, बाकी सभी देशों से नीचे है। याद रखिएगा, इसका पाकिस्तान के जीडीपी में व्यापार का हिस्सा केवल कितना है? 30% है। सामने एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैंने चित्र दे दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, और मनीला में क्या और क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहां है? मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी मनीला में। शेयर कर दो, सेशन बेहतर लग रहा है तो सेशन कर दो। ऐसे बता दें कि पाकिस्तान को एफएटीएफ, अगर बात करें तो पाकिस्तान को एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। आतंकवादी घटनाओं को लेकर, आतंकवाद को प्रशिक्षण देने को लेकर, आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर, एक होता है ब्लैक लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि अगर एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिस देश को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है उस देश को दुनिया से कोई मदद नहीं मिलता, क्योंकि उन पर आरोप होता है कि आप आतंकवादियों को क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगर प्रूव हो जाए कि उस देश के सरकार आतंकवादी को मदद कर रही है अपने पैसों से, तो उस देश को कहां रखा जाता है? ब्लैक लिस्ट में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहां रखती है? ब्लैक लिस्ट में रखती है। लेकिन अगर शक हो कि आप देते हैं, प्रूफ नहीं मिला है, तो कहां रखा जाता है? ग्रे लिस्ट में। अगर ब्लैक लिस्ट में आ गए तो आपको दुनिया से कोई मदद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ग्रे लिस्ट में है तो दुनिया के लोग मदद तो करेंगे लेकिन उसका जांच पड़ताल करते रहेंगे। तो भारत के अपील पर, भारत देश के अपील पर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कहां रखा गया है? ग्रे लिस्ट में। और पाकिस्तान हमेशा यह बात से डरता है कि कहीं हमको ब्लैक लिस्ट में न डाल दिया जाए। अभी ग्रे लिस्ट में है तो कम से कम चेक करके ही सही, कोई पैसा तो दे रहा है। अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो बंदे हो जाएगा, तो और सांस रुक जाएगी, अफगानिस्तान वाली हालत हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसे ग्रे लिस्ट में रखा है। कहां रखा है भैया? ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब आप आतंकवादी को मदद करते हैं, आप टेररिस्ट को मदद करते हैं, इसका आपके पास सबूत तो नहीं पर ऐसा शक आपके ऊपर है, इसलिए भी तत्काल कहां रहिए? आप ग्रे लिस्ट में रहिए। ब्लैक लिस्ट में जाने की चुनौती, हमेशा पाकिस्तान को यह डर सताता है कि कहीं हमें ग्रे लिस्ट में न डाल दिया जाए। ये सामने एक महान खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी मिताली राज का पिक है, देख रहे हैं आप? मिताली राज, अभी हाल ही में इन्होंने विदेशी धरती पर 8000 रन बनाने वाली
ये दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, विश्व की पहली महिला। 10,000 तो पिछले साल ही हो गया था, 10,000 पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी महिला है अभी विदेशी धरती पर। मैं क्या बोल रहा हूं, अपने धरती पर नहीं, विदेशी धरती पर 8,000 रन, अपने धरती पर नहीं विदेशी धरती पर खेलते हुए 8,000 रन बनाने वाली ये दुनिया की पहली महिला बन गई। और टोटल पिछले साल मार्च में ही 10,000 रन, पिछले साल मार्च में ही इनका टोटल 10,000 रन पूरा हो गया, ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। 10,000 रन को पार करने वाली, टोटल 10,000 रन बनाने वाली पिछले साल मार्च 2021 में ही इनका दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई जो 10,000 रन को पार कर गई। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं, विदेशी धरती पर 8,000 रन बनाने वाली, अपनी धरती पर नहीं विदेशी धरती पर 8,000 रन बनाने वाली दुनिया की और भारत की पहली महिला कौन बन गई, मिताली राज बन गई। और पिछले साल मार्च में 2021 मार्च में टोटल 10,000 रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी सब महिला बन गई और भारत की पहली महिला बन गई। समझ में आ रहा है, टोटल 10,000 रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी महिला और भारत की पहली महिला मार्च 2021 में बन गई थी। लेकिन इस साल 2022 में विदेशी धरती पर खेलते हुए 8,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। इनके बारे में बता दूं कि इस साल 2022 में संन्यास भी लेने वाली है क्रिकेट से, मिताली राज इस साल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगी। ये बहुत बड़ी क्षति होगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए, इतनी महिला अनुभवी क्रिकेटर को संन्यास लेना ये क्षति होगा, इनकी जगह को पूरा करना काफी मुश्किल होगा। काफी महान प्लेयर है, सामने इनका चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये मिताली राज है, देख लीजिए आप। आज हमारी महिलाएं पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा चर्चा में रहते हैं और इनकी योजनाएं चर्चा में रहती हैं। नीतीश कुमार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको केंद्र सरकार फॉलो कर रही है। जैसे आपने सुना है नीतीश सरकार की एक योजना है जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, उसी को मोदी जी ने फॉलो किया और पूरे देश में शुरू किया जल जीवन मिशन। मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने क्या शुरू किया, जल जीवन मिशन। ये बिहार सरकार को कॉपी करके बिहार में लड़कियों को साइकिल और ड्रेस दिया गया, इसको पूरे भारत के कई राज्यों ने फॉलो किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सरकार ने साइकिल योजना और लड़कियों को जो ड्रेस योजना है उसको कई राज्यों ने फॉलो किया। तो नीतीश सरकार ने भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए नीतीश सरकार ने एक योजना चलाया था पिछले साल जिसका नाम था मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना। इसके तहत जो लोग भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, उनको वहां से क्या कराना, मुक्ति दिलाना, उनको भिक्षाटन से क्या दिलाना, मुक्ति दिलाना। यह मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना शुरू की गई थी। लेकिन उसी के तर्ज पर कल मैंने पढ़ाया था, याद होगा स्माइल योजना, कल याद है, कल का मैंने सेशन में मैंने कराया था स्माइल योजना जो ट्रांसजेंडर के लिए शुरू किया गया था, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना के तर्ज पर, कल याद है आप लोगों को, कल मैंने कराया था स्माइल योजना, याद है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था स्माइल योजना ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए। ये किसके तर्ज पर शुरू किया गया था भाई, तो बिहार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने क्या शुरू किया है, स्माइल योजना। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये दिमाग है, देखिए इस आदमी के पास दिमाग तो है, कैसे ले जाना है देश को आगे, कैसे ले जाना है राज्य को आगे, इनके पास काफी दिमाग है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स कम हो जाए तो ये बिहार को कहां से कहां पहुंचा दे। मुझे लगता है कि अगर हम नवीन बाबू, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बाद अगर मैं किसी को मानता हूं दिमाग और बेहतर समझ वाले मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार जी हैं, रियल में पीएम मटेरियल है ये नवीन पटनायक। ये सब सामान्य आदमी नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो देश का उद्धार हो जाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो भिक्षावृत्ति योजना नोट कर लेना, ये बिहार का था तो थोड़ा बिहार स्पेशल भी हो गया। इसी के तर्ज पर क्या शुरू किया गया है केंद्र सरकार ने, स्माइल योजना, नोट कर लीजिए। और क्या मैंने बताया था, बिहार के जल जीवन हरियाली के तर्ज पर केंद्र ने क्या शुरू किया, जल जीवन मिशन शुरू किया। नेक्स्ट आते हैं अगले करंट की ओर, चलिए बिहार में गुंडा बैंक, बिहार में एक बैंक चलता है खासकर उत्तर बिहार में कटिहार साइड, बिहार में खासकर उत्तर बिहार में कटिहार साइड चलता है गुंडा बैंक। गुंडा बैंक नाम इसलिए दिया गया, इसका नाम गुंडा बैंक क्यों दिया गया, क्योंकि सरकार के नियमों
सरकार के नियमों और आरबीआई के नियम से नहीं चलते, ये आस पड़ोस में कर्जा देते हैं और दबंगई से अपना कर्जा वसूलते हैं, इसी को बोला गया है गुंडा बैंक। तो गुंडा बैंक पर कैसे रोक लगाया जाए, उसके लिए बिहार सरकार ने क्या किया है, डॉक्टर कमल किशोर सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, एक एसआईटी बनाई है, नोट कर लो, ये बिहार स्पेशल करंट है, गुंडा बैंक पर नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर कमल किशोर सिंह के अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी बनाया है, किसके अध्यक्षता में, डॉक्टर कमल किशोर सिंह। क्या होता है गुंडा बैंक, यह गुंडा बैंक न तो रिजर्व बैंक के नियम और न ही नियम कायदों से संचालित होता है और न ही सरकार का कोई कानून इन पर लागू होता है, गरीब जरूरतमंदों को मामूली लिखा पढ़ी पर एक कर्ज दे देते हैं और अगले दिन ही वसूली करना इनका काम है, अगले दिन ही क्या करते हैं उसका वसूली करते हैं, सूद ब्याज वाला काम, जो गांव में सूद पर पैसा लगाते हैं और फिर उनको बढ़ने देते हैं और अंत में उनके जमीन पर उनके घर पर कब्जा भी करने का काम होता है, समझ में आ रहा है बात ना, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, गुंडा बैंक है ना, बदमाश गुंडा ये सब चला रहे हैं इसे। तो गुंडा बैंक कैसे रुके, नाम लिंग गलत है, हाँ दबंग आदमी चलाएगा, तो बिहार में गुंडा बैंक चल रहा है भैया, चीट फंड सुने थे पर अब गुंडा बैंक भी सुन लिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पिंकी कुमारी, नुसरत जहां, कमल सिंह जी, काजल कुमारी, सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो भाई, जो भी देख रहे हो, गुंडा बैंक की स्थापना हुआ है अभी कटिहार साई, सूद पर पैसा देकर के गरीबों को फांसना और सूद बढ़ जाए तो उनका जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेना, अंत में इज्जत पर भी हाथ डाल देना, ये कहीं ना कहीं गुंडा बैंक का काम, इस पर कंट्रोल करने के लिए कमल किशोर सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी बनाया गया है। सबसे बड़ा खबर नोट कर लो भाई, सूरत बनेगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, सूरत में बनेगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बन रहा है, सूरत। देखो डेवलपमेंट का चित्र मैंने दिखा दिया है, डेवलपमेंट सूरत स्टेशन में, सूरत गुजरात का सूरत है जहां पर बनेगा, क्या क्या बनने जा रहा है भैया, बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने जा रहा है। किस रूट पर, पहला बुलेट ट्रेन चलेगा मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर, पहला बुलेट ट्रेन चलेगा भैया मुंबई अहमदाबाद रूट में, नोट कर लो, भारत का पहला बुलेट ट्रेन कहां चलने वाला है, मुंबई अहमदाबाद रूट पर, स्टेशन कौन सा होगा, सूरत, स्टेशन कौन सा होगा, मुंबई अहमदाबाद जो रूट पर ट्रेन चलेगी, पहला बुलेट ट्रेन, ये पहला बुलेट ट्रेन जो चलेगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच, उसका स्टेशन कहां होगा, सूरत में होगा। और सूरत के बारे में जान जाओ, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, सूरत जाना जाता है सिल्क साड़ी के लिए, और सिल्क साड़ी, सिल्क की साड़ी, सिल्क साड़ी और डायमंड कटिंग, डायमंड कटिंग, डायमंड कटिंग, डायमंड कटिंग लिख लो, सूरत जाना जाता है सिल्क साड़ी के लिए और डायमंड कटिंग के लिए, सूरत जाना जाता है सिल्क साड़ी के लिए और डायमंड कटिंग के लिए, किस नदी के किनारे है भैया, ताप्ती नदी के किनारे है, और सूरत में बनेगा बुलेट ट्रेन का पहला जंक्शन, पहला स्टेशन, एकदम याद हो गया होगा आप लोगों को, पहला बुलेट ट्रेन किसके बीच चलेगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये कब बनकर तैयार होगा, ये देख लो कब बनकर तैयार होगा, दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक ये बनकर तैयार, कब तक होगा, दिसंबर 2024 तक सूरत बनेगा पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद मार्ग पर दौड़ेगी, इसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विकसित किया है। पूछा जाए कि इस बुलेट ट्रेन का जो रूट है मुंबई से अहमदाबाद के बीच, उसे किसने विकसित किया है भाई, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस स्टेशन को और मुंबई अहमदाबाद मेट्रो रूट को डेवलप किया जा, बुलेट ट्रेन रूट को डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट करंट पर लोग आते हैं, हाँ डायमंड कटिंग, बेल्जियम भी है, बेल्जियम में भी जाना जाता है डायमंड कटिंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं, डायमंड कटिंग के लिए दुनिया में कौन जाना जाता है, बेल्जियम, दुनिया में पूरे विश्व में डायमंड कटिंग के लिए कौन जाना जाता है, बेल्जियम जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, आगे देखिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नबार्ड के द्वारा, प्राकृतिक खेती का मतलब ऐसी खेती जिसमें पर्यावरण का कोई नुकसान
न हो, ऐसी खेती जिसमें पर्यावरण का कोई नुकसान न हो, जिसके अंतर्गत बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग हो, केमिकल फर्टिलाइजर का बिल्कुल प्रयोग न हो, ऐसी खेती जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी इन सब का प्रयोग न किया जाए, बल्कि नेचुरल जो खाद है, जो प्राकृतिक खाद है जिसको लोग बायो फर्टिलाइजर या जैविक खाद के नाम से जानते हैं, ऐसी खेती जिसमें पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए नबार्ड ने क्या चलाया भाई, नबार्ड द्वारा जीवा लॉन्च किया गया है। यह कृषि पर स्थित की गई आधारित कृषि पर स्थित आधारित कार्यक्रम है जिसमें 11 राज्यों के मौजूदा वाटरशेड और एक कार्यक्रम है वाड़ी कार्यक्रम। वाड़ी जो होता है ना, ये जो वाड़ी होता है मेरे भाई, ये वाड़ी कार्यक्रम जो होता है ये आदिवासियों के द्वारा, नोट कर लो, आदिवासियों के द्वारा जो जल संचय का काम किया जाता है, आदिवासियों के द्वारा जो जल संचय का काम करते हैं उसी को बोलते हैं वाड़ी कार्यक्रम। तो लिख लो भाई, ये जीवा लॉन्च किया गया है। जीवा लॉन्च किया गया है किसके लिए, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। कितने राज्यों में लॉन्च किया गया, तो 11 राज्यों में। किस लिए भाई, तो मौजूदा वाटरशेड और छूट गया था वाड़ी कार्यक्रम के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नबार्ड के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, G.R. चिंटाला। नबार्ड के चेयरमैन कौन है जी, नोट कर लो, G.R. चिंटाला। गोविंद रिजिजू इसका नाम है पूरा, गोविंद रिजिजू चिंटाला। चिंटाला नोट कर लो मेरे भाई, वर्तमान में नबार्ड के चीफ कौन है, G.R. चिंटाला। नबार्ड की स्थापना कब की गई भाई, तो ये किया गया 12 अप्रैल 1982। किसके सिफारिश पर किया गया, 1982 में इसकी स्थापना की गई। किस समिति की सिफारिश पर की गई भाई, तो लिख लो शिवरामन समिति। नोट कर लो, नबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में की गई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, गोविंद रिजिजू चिंटाला। G.R. चिंटाला इसके अध्यक्ष हैं, और इन्होंने क्या चलाया है, जीवा कार्यक्रम, जीवा लॉन्च किया है। इसका मेन काम क्या होगा, मौजूदा वाटरशेड मैनेजमेंट और साथ में जो आदिवासियों के द्वारा वाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इनको वाड़ी एक होता है, वाड़ी का मतलब नहीं जानते, खेत बाड़ी, बाड़ी मतलब पानी के, वाड़ी नहीं जानते, वाड़ी मतलब वाड़ी नीर, ये सब क्या होता है, पानी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जल संचय, पानी को संचित करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है आदिवासियों के द्वारा, उसका नाम है वाड़ी कार्यक्रम। और वाटर सेट मैनेजमेंट के लिए पूछा जाएगा कि जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, नबार्ड ने। कितने राज्यों में किया, 11 राज्यों में। और नबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी के सिफारिश पर 1982 में की गई। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, G.R. चिंटाला। तो नोट कर लेना, सारा ये जो आपका जो मैं करंट करा रहा हूं, ये सभी के सभी करंट टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है मिशन 50 आईएएस का, और रंजीत कुमार सिंह सर आईएएस हैं, उनका भी अपना एक टेलीग्राम चैनल है। तीनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसे आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये जो मैं करा रहा हूं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहां उपलब्ध हो जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, और मेहनत अच्छा लग रहा है, डिस्कशन अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक कर दो, और कैसा लग रहा है सेशन ये जरूर बता दो। तो जीवा कार्यक्रम कौन लॉन्च किया है, नबार्ड। कितने राज्यों में किया है, 11 राज्यों में। किस लिए किया है, तो वाटर सेट मैनेजमेंट और आदिवासियों के द्वारा जो वाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए लाया गया है, ताकि नेचुरल फार्मिंग को, नेचुरल एग्रीकल्चर को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आइए आगे, अभी आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ई पुनगु झल्ली। एक आईआईटी मद्रास की एक महिला वैज्ञानिक है,
जिनका नाम है डॉक्टर ई पुनगु झल्ली, उनको बेंजो बी थियोफेन नामक औषधि, इन्होंने एक दवाई बनाया है। डॉक्टर ई पुनगु झल्ली ये मद्रास आईआईटी के वैज्ञानिक है, इनके द्वारा एक दवा विकसित की गई है, नोट कर लो, बेंजो बी थियोफेन। इस दवाई के लिए, दवाई के लिए इन्हें हरित पद्धति इन्होंने विकसित किया है, इसके लिए इनको पेटेंट प्रदान किया गया है। पेटेंट, पेटेंट समझते हो ना, पेटेंट का मतलब होता है कि इसका कॉपी कोई नहीं कर सकेगा, इसका इसका कॉपी लोग नहीं कर सके, उसके लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। तो आईआईटी के वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक डॉक्टर ई पुनगु झल्ली ने, दवाई कौन सा है भैया, तो बेंजो बी थियोफेन ये दवाई का नाम है। इसके लिए इन्होंने जो ग्रीन सिस्टम डेवलप किया है उसके लिए इनको क्या मिला है, पेटेंट मिला है। और किस आईआईटी से जुड़ी हुई है भाई, तो मद्रास आईआईटी से जुड़ी हुई है, नोट कर लीजिएगा, मटेरियल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जो टेलीग्राम चैनल है मिशन 50 का और मिशन आईएएस का, और रंजीत कुमार सिंह डालिएगा टेलीग्राम पर जाके तो आ जाएगा चैनल, रंजीत कुमार सिंह आईएएस उनका भी चैनल आ जाएगा, तीनों चैनल से जुड़ जाइएगा। और आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी मटेरियल है, हम उसको कहां शेयर करते हैं, हम उसे शेयर करते हैं कहां, तो टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, आप अगर बीपीएससी देना चाहते हैं तो आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो छूटना नहीं चाहिए। हम डेली 5:30 से 6 के बीच ये सेशन को लाते रहेंगे आपके लिए, तब तक लाते रहेंगे जब तक कि आपका प्री ना हो जाए। तो लगातार प्री तक हम लोग काम करेंगे, अब प्री के बाद फिर मेंस के लिए करंट अफेयर लेके आएंगे, क्योंकि मेंस में 128 नहीं बल्कि 228 नंबर का करंट आ रहा है। तो मेंस के करंट अफेयर की भी सीरीज हम इसी चैनल पर इसी वक्त लेकर आते रहेंगे 30 अप्रैल के बाद। तत्काल आप लगातार सेशन से जुड़े रहें। यदि आपको बीपीएससी निकालना है तो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सन 1800 से लेकर 1947 तक कंप्लीट होना चाहिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये साइंस में कंप्लीट होना चाहिए, और करंट अफेयर, ये तीन चीजों पर जिसका कमांड है उसका बीपीएससी प्री कोई रोक नहीं सकता। और हम चाहते हैं कि आपका रोल नंबर बीपीएससी के लिस्ट में हो। तो लगातार सेशन से जुड़े रहिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी एक मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है रेलटेल, रेलटेल एक मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है रेलटेल, इसको ICAI पुरस्कार दिया गया है। मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी आपने सुना होगा, नवरत्न कंपनी आपने सुना होगा, महारत्न कंपनी सुना है ना, कई कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाता है, कई कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है, कई कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो रेलटेल कैसी कंपनी है, मिनी रत्न। सबसे बड़ा कंपनी कौन होता है, महारत्न, उसके बाद नवरत्न, और उसके बाद मिनी रत्न वन और फिर मिनी रत्न टू। मिनी रत्न में दो भाग है, मिनी रत्न वन और मिनी रत्न टू। तो कंपनियों को उसके ऑथराइज्ड कैपिटल और उसका जो मार्केट वैल्यू है इसके आधार पर उसे क्या बनाया जाता है, महारत्न, नवरत्न, इसके अलावा मिनी रत्न वन और मिनी रत्न टू। तो भैया मिनी रत्न कंपनी है रेलटेल, उसे ICAI पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उसे क्यों दिया गया है, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है भैया, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए, बेहतर कार्य के लिए दिया जाता है। इसे PLAQI श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। किस श्रेणी में, इस पुरस्कार में कई श्रेणी होता है, उसमें PLAQUI श्रेणी में इसे पुरस्कार दिया गया है। यह एक मिनी रत्न कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम है, देश के सबसे बड़े न्यूट्रल दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक है। रेलटेल के पास रेलवे ट्रैक के विशेष अधिकार के साथ अखिल भारत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी है। यानी कि इसका काम क्या है, रेलटेल का, रेलटेल का काम क्या है भाई बताओ, रेलवे ट्रैक का विकास करना। और भारत में जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, खासकर आपने सुना होगा भारत नेट प्रोग्राम, भारत नेट भारत सरकार का एक प्रोग्राम है भारत नेट, उसमें कैसे ऑप्टिकल फाइबर बिछेगा, उस सब जिम्मेवारी किसके पास है, रेलटेल के पास। और रेलवे ट्रैक को बिछाने की भी जिम्मेवारी किसके पास है, रेलटेल के पास। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसको मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है। इसे PLAQUI श्रेणी में ICAI पुरस्कार दिया गया है, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नोट करिए,
और ये क्या है, मिनी रत्न कंपनी है। और ये काम क्या करती है, रेलवे ट्रैक बिछाती है और भारत का जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसके डेवलपमेंट में इसका मेन योगदान है। क्लियर है, आगे आते हैं। सामने देखिए रेलटेल का मैंने चित्र दे दिया है, एक मिनी रत्न कंपनी है जो भारत सरकार में रेलवे ट्रैक के विकास का काम करती है और क्या करती है भैया, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी भारत नेट योजना का जो टेंडर है वो किसके पास है, रेलटेल के पास है, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, अगला करंट है भाई, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, अभी अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमिटी है, इसके द्वारा जो 2028 में ओलंपिक खेल होने वाला है, कहां होने वाला है, लॉस एंजेलिस में। इस बार का ओलंपिक कहां हुआ था, टोक्यो में। इस बार का ओलंपिक कहां हुआ था, टोक्यो में। अगला ओलंपिक कब होगा, 2024 में, पर ये किसका है, 2028 का। 2028 का जो ओलंपिक होगा वो कहां होगा, लॉस एंजेलिस में। उसमें नए गेम, सर्फिंग को शामिल करने की बात की गई है, स्केट बोर्डिंग को शामिल करने की बात की गई है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये तीन खेल जुड़ेगा 2028 के ओलंपिक में। तीन नए खेलों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। कौन कौन, नोट कर लो, ओलंपिक समिति ने निर्णय लिया है कि 2028 के जो लॉस एंजेलिस ओलंपिक, ये यूएसए में है, लॉस एंजेलिस यूएसए में जो ओलंपिक होने वाला है 2028 का। सबसे पहला करंट तो यही है कि 2028 का ओलंपिक कहां होगा, 2028 का समर ओलंपिक, 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होगा, 2028 में कहां होगा, लॉस एंजेलिस में होगा। और उसमें तीन नए खेलों को शामिल किया गया है, सर्फिंग स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये तीन नए खेल, नोट कर लो, 2028 के ओलंपिक में शामिल होंगे। और 2028 का ओलंपिक कहां होने वाला है बच्चों, लॉस एंजेलिस में होने वाला है। लॉस एंजेलिस को बोला जाता है हॉलीवुड सिटी, हॉलीवुड सिटी, हॉलीवुड सिटी के नाम से किसे जानते हैं, लॉस एंजेलिस को हम लोग हॉलीवुड सिटी के नाम से जानते हैं। और ये प्रशांत महासागर के तट पे है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन के तट पर है, स्थित है। कौन, लॉस एंजेलिस। 2028 का ओलंपिक कहां होने वाला है, कहां, लॉस एंजेलिस में। और 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहां हो रहा है, बीजिंग में। 2022 में शीतकालीन विंटर ओलंपिक कहां हो रहा है, बीजिंग में। कौन उसके, कौन उसके भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया बताओ, कल बताया था भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया, भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया मेरे भाई, जल्दी बताओ किसने किया। हाँ, बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक विंटर ओलंपिक कल बताया था, उसमें भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आरिफ खान, बिल्कुल सही, आरिफ खान, आरिफ खान नवाज जी ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आरिफ जी, आपने बेहतर जवाब दिया है। सभी लोग जवाब दीजिए, जो मैं पढ़ाता हूँ याद करके आओ, रिवीजन करके आओ, तभी फायदा इस क्लास का है। तो चलो मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सर्फिंग स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को 2028 के ओलंपिक में शामिल करने का निर्णय लिया है। आगे आइए, बीपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उससे न्यूज है, बीपीएससी के नए सचिव बन गए हैं, बीपीएससी के सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं, वर्तमान में बीपीएससी के सेक्रेटरी बन गए हैं जीवत सिंह, जीवत सिंह बीपीएससी के क्या बन गए हैं, नए सचिव बन गए हैं। बीपीएससी के नए सचिव कौन बन गए हैं भाई, जीवत सिंह, ये पहले पूर्णिया नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर थे, जीवत सिंह पहले पूर्णिया, ये बिहार स्पेशल करंट है, आप लोग कह रहे थे बिहार स्पेशल सर शामिल किया जाए, हम कोशिश किए हैं कि बिहार स्पेशल को भी इसमें डालें, शामिल करें, ताकि आपकी तैयारी यूनिवर्सल हो सके, ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। करंट अफेयर मतलब कंप्लीट करंट अफेयर की चर्चा होगी, तो पूर्णिया के नगर निगम आयुक्त को इस बार बीपीएससी का सचिव बनाया गया है, जिनका नाम है जीवत सिंह, नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, देखिए अभी सामने मनोज तिवारी और शाहनवाज हुसैन का फोटो दिया गया है, ये बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। मनोज तिवारी को शाहनवाज हुसैन ने क्या बनाया है, बिहार खादी का, बिहार खादी का, भारत के खादी का नहीं, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। और तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जल्दी उत्तर दो, देखता हूं कौन सही उत्तर देता है, बताओ, खादी पेंट, खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, खादी पेंट, पेंट मतलब जो पेंट करते हैं दीवार पर, खादी ने पेंट भी निकाला है, उस पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है,
जल्दी बोलो। नितिन गडकरी, बिल्कुल सुजीत जी ने सही बताया, नुसरत जहां ने भी सही बताया है, प्रियंका कुमारी का भी जवाब सही है, अभिषेक जी भी सही बता रहे हैं, निधि प्रिया, राहुल राणा, सबका सही जवाब है भैया नितिन गडकरी, जिनको हाल ही में 18वां माधव राव लीमिय पुरस्कार भी दिया गया है। 18वां माधव राव लीमिय पुरस्कार किसे दिया गया मेरे भाई? नितिन गडकरी को। और खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी। अरे मनोज भाई हमारे हैं, भोजपुरी स्टार मनोज वाजपेयी, बीजेपी सांसद मनोज वाजपेयी को शाहनवाज हुसैन जी ने क्या बनाया? मनोज वाजपेयी नहीं, सॉरी, मनोज तिवारी को क्या बनाया? मनोज तिवारी, सॉरी, मनोज तिवारी को क्या बनाया? खादी, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर, संसद सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी को बिहार उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर, भारत का पहला खादी मॉल ये कहां बनाया गया? पटना में। भारत का पहला खादी मॉल, नोट कर लीजिए, भारत का पहला खादी मॉल का उद्घाटन कहां किया गया? बिहार की राजधानी पटना में। खादी मॉल का उद्घाटन कहां किया गया? बिहार की राजधानी पटना में, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। अभी तिलका मांझी, आप जानते होंगे इनका संबंध भागलपुर से है। तिलका मांझी का संबंध कहां से? एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था तिलका मांझी, इनका संबंध है भागलपुर से, स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की 272वीं जयंती 11 फरवरी 2022 को मनाया गया, बिहार स्पेशल है, नोट कर लीजिए, बिहार स्पेशल है। तिलका मांझी एक जनजाति, एक आदिवासी समुदाय से आते थे, इन्होंने संथाल विद्रोह में अपना योगदान दिया था। तो स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की 272वीं जयंती 11 फरवरी 2022 को मनाया गया। इन्होंने आदिवासियों की एक सेना को संगठित किया था, इनका संबंध संथाल विद्रोह से जोड़ा जाता है, यह मुख्यतः भागलपुर से संबंध रखते हैं। इनका संबंध किससे है भैया? भागलपुर से। और भागलपुर में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम भी तिलका मांझी विश्वविद्यालय है। भागलपुर के विश्वविद्यालय का नाम क्या है जी? तिलका मांझी विश्वविद्यालय। संथाल विद्रोह में इनका योगदान है। इन्होंने आदिवासियों की क्या बनाई थी? एक सेना बनाई थी। और इनकी 272वीं जयंती अभी 11 फरवरी को मनाया गया है। तिलका मांझी का संबंध किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह से है। और ये आदिवासियों की इन्होंने एक सेना बनाई, इनका संबंध बिहार के अंग राज्य यानी भागलपुर से है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको पाल वंश के राजाओं ने बनवाया था। पाल वंश के राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी। प्राचीन काल में यह अंग महाजनपद में आता था, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी थी चंपा, यही के रहने वाले थे तिलका मांझी, जिनकी 272वीं जयंती मनाई गई है 11 फरवरी को। यहां देखिए, महाश्वेता देवी, इन पर एक किताब भी निकाली थी सालगिरह की पुकार पर, हाँ, सिल्क सिटी भी है, भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। देखिए सामने आरा से सांसद हैं आर के सिंह बिहार के आरा से सांसद हैं। उन्होंने दावा किया है कि भैया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह वर्तमान में क्या है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि भारत वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल मुक्त हो जाएगा। जो अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर में जो डीजल का प्रयोग किया जाता है खेत में पानी डालने के लिए, हम लोग जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उस मशीन में क्या डाला जाता है? डीजल। आज भी उसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। तो इनका कहना है कृषि क्षेत्र में जो डीजल का प्रयोग हो रहा है, कृषि क्षेत्र हमारा 2024 तक हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं क्या हो जाएगा? डीजल मुक्त हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह राजकिशोर सिंह, जो कहां के सांसद हैं? आरा से, बीजेपी के आरा से सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि 2024 तक जो डीजल का प्रयोग हम कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं उससे क्या कर देंगे? हम लोग मुक्ति दिला देंगे। और बिहार में लगभग हो भी रहा है, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जगह जगह खेतों में ट्रांसफार्मर लगाकर बोरिंग करके कोशिश की जा रही है कि जो भी पंप लगे वो डीजल का नहीं हो बल्कि बिजली से चलने वाला पंप हो। काफी हद तक इस काम के लिए नीतीश कुमार को मैं सैल्यूट करता हूं। हम जब
बच्चे थे तो हमें लगता था कि बिहार के गांव में भी कभी बिजली आएगी, बिहार के गांव भी सड़क से जुड़ेंगे। ये नीतीश कुमार का देन है। बिहार में बिजली, सड़क, लड़कियों की शिक्षा, ये तीन ऐसे काम है जो नीतीश कुमार ने भारत में सबसे बेहतर किया है। बाकी कमियां तो हर जगह होती है। तो भैया आर के सिंह ने कहा है कि 2024 तक हम कृषि क्षेत्र को हम क्या करेंगे। आपसे जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न क्या आएगा, क्या अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने कब तक भारत को, भारत के कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर क्या देंगे, 2024। और कब तक बनेगा सूरत में, सूरत में जो स्टेशन बनेगा बुलेट स्टेशन, वो कब तक बनेगा? 2024 तक। वो भी कब बनेगा? 2024 तक। नोट कर लो, आगे आते हैं। ये भी बिहार स्पेशल न्यूज है। हाँ भी बोली ना, केवल कृषि को, केवल कृषि को डीजल मुक्त होना है। आगे आइए, बचत खाता खोलने में अभी एक रिपोर्ट आया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का रिपोर्ट है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बेहतर करंट लग रहा है जिसे आप शेयर कर दें, अधिकतम लोगों तक शेयर कर दें। शेयर कर दो मेरे भाई, अगर लगता है कि मैं मेहनत करके आ रहा हूं, अगर आपके लिए बेहतर काम कर रहा हूं तो ये काम करता रहूंगा। सिर्फ आपका स्नेह चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। शेयर कर दो, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार का जो दरभंगा है वो बचत खाता खोलने में नंबर वन पे है। बचत खाता खोलने में बिहार में किस जिले का पहला स्थान आया भैया? दरभंगा का। और अरवल इसमें सबसे नीचे है। अरवल का स्थान बचत खाता खोलने में बिहार के जिलों में, केवल बिहार के जिलों का लिस्ट जारी किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बचत खाता खोलने में दरभंगा का पहला स्थान है और अरवल का सबसे निचला स्थान है, लेकिन करंट अकाउंट खोलने में हाजीपुर का पहला स्थान है। नोट कर लीजिए, बचत खाता में पहला स्थान दरभंगा, बचत खाता में पहला स्थान दरभंगा और सबसे निचला स्थान अरवल, लेकिन करंट अकाउंट में सबसे पहला स्थान किसका? हाजीपुर। किसका रिपोर्ट है भैया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का रिपोर्ट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का रिपोर्ट है कि करंट अकाउंट खोलने में किसका स्थान है पहला? हाजीपुर का। और बचत खाता में पहला दरभंगा और अंतिम अरवल। किसने रिपोर्ट जारी किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट है भाई, इसे नोट कर लो। ये नेपाल से आ रही है खबर। नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। किन पर लगाया है? वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, नेपाल के चीफ जस्टिस, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सुरेंद्र शमशेर जेबी राणा। उनका नाम है सुरेंद्र शमशेर जेबी राणा। वर्तमान में वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है। क्वेश्चन आएगा, हाल ही में किस देश के मुख्य न्यायाधीश पर क्या चलाया जाने का महाभियोग, इंपीचमेंट लाने का प्रस्ताव लाया गया है? तो है नेपाल के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश। कौन है भैया? सुरेंद्र शमशेर जेबी राणा। इनके खिलाफ नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नेपाल के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र शमशेर राणा के ऊपर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इससे पहले 2017 में भी वहां के मुख्य न्यायाधीश रही महिला सुशीला करकी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। यह पहली घटना नहीं है। नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, यूपीएससी प्रिया शर्मा बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, काजल कुमारी, जो बाइडेन, आकाश राज, जितने लोग जुड़े हैं भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर चीन के राष्ट्रपति तक जितने लोग जुड़े हैं, जो बाइडेन से लेकर सी जिनपिंग तक जितने लोग जुड़े हैं, सबको शुभकामनाएं। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति भी तैयारी करते रहे बीपीएससी का, बीपीएससी में एसडीएम डीएसपी बनते रहे। तो भैया सुरेंद्र शमशेर राणा जो वर्तमान में है प्रधान न्यायाधीश कहा के नेपाल के, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले 2017 में भी वहां के जो उस समय की क्या थी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कौर की, उनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है। नोट कर लीजिएगा, 17 में सुशीला कौर की के खिलाफ भी लाया जा चुका था महाभियोग प्रस्ताव, और अभी लाया गया है किसके खिलाफ? सुरेंद्र शमशेर
जेबी राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। नेपाल की राजधानी कहाँ है भाई? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और ये बागमती नदी के किनारे है, नोट कर लो, बागमती, बागमती नदी के किनारे नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के किनारे है। और यहाँ SAARC का मुख्यालय है, नोट कर लो, नेपाल राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर भी है, यहाँ पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ मंदिर भी है। और मैं बता दूं कि अभी हाल ही में जो भारत से सटे राज्य हैं, भारत से सटे जो राज्य हैं नेपाल के, नेपाल का भारत से सटे जो राज्य हैं, उनका नाम इसने क्या कर दिया है? मधेसी राज्य, मधेसी राज्य। क्वेश्चन आएगा कि नेपाल ने अपने भारत से सटे राज्यों का नाम क्या दिया है? मधेसी राज्य। भारत ने, नेपाल ने अपने भारत से सटे जितने भी उसके राज्य हैं, इलाके हैं, उसे क्या नाम दिया है? मधेसी राज्य नाम दिया है। हाल ही के क्रम में मैंने बताया था। इसके अलावा नेपाल के काठमांडू बागमती नदी के किनारे है, वहां पशुपतिनाथ मंदिर है, और वहां सार्क का क्या है? हेडक्वार्टर है। क्या है? हाँ ठीक है, तो सार्क का हेडक्वार्टर वो सब क्या है भैया? वहां पर वो सब हिल स्टेशन है। तो भाई काठमांडू, काठमांडू में क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर है। पशुपतिनाथ मंदिर है, और नेपाल ने भी घोषणा किया है कि भारत से सटे जो उसके इलाके हैं, उसका नाम उसने क्या दिया है? मधेसी राज्य। क्या नाम दिया है? मधेसी राज्य। और वहां के न्यायाधीश सुरेंद्र शमशेर जेबी राणा के खिलाफ क्या आया है मेरे भाई? क्या आया है? महाभियोग लाया गया है। इससे पहले सुशीला कोर्की के खिलाफ भी लाया गया था। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंट, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक बाल्टर, इनको दोबारा, आज का न्यूज है, आज का न्यूज है, फ्रैंक बाल्टर जर्मनी के जो वर्तमान राष्ट्रपति थे, उनको दूसरे कार्यकाल के लिए, अगले कार्यकाल के लिए पुनः चुन लिया गया है। अगले कार्यकाल के लिए जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर थे, लेकिन फिर से उनको अगला राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। सामने देखो, फ्रैंक वाल्टर का मैंने चित्र दे दिया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है जी? बर्लिन। और बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे है। नोट कर लो, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, और वहां के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर को दोबारा से वहां के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, जो वर्तमान में भी जर्मनी के क्या है? जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। सुन लीजिए, ये जर्मनी है, ध्यान से देखिए, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, और ये स्विट्जरलैंड है। यहां से एक नदी आती है, यहां से एक नदी बहती है, इसका नाम है राइन नदी। क्या नाम है भैया? राइन। ये राइन नदी है, जर्मनी, जर्मनी और जर्मनी है, ये स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है। थोड़ी मैपिंग भी आपको करा देता हूं, थोड़ी सी मैपिंग। ये जर्मनी जी लिख दिया, मतलब ये जर्मनी है, ये जर्मनी है भाई, जर्मनी है ये, ये स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है। जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बाउंड्री से, और फिर फ्रांस और जर्मनी के सीमा से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है राइन नदी, इस नदी का नाम है राइन नदी। क्वेश्चन आता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री कौन बनाता है? राइन नदी। जर्मनी और फ्रांस की बाउंड्री कौन बनाता है? राइन नदी। नोट कर लो, सारी ज्योग्राफी, सारी हिस्ट्री, सारी पॉलिटी, सारी इकोनॉमी, सारी साइंस, हम कोशिश करेंगे कि जहां भी जो आएगा इस करंट के साथ हम वही करते चलें। तो भैया जर्मनी फ्रांस की सीमा कौन बनाती है? राइन नदी। जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा कौन बनाती है? राइन नदी। और राइन नदी कहां गिरती है? नॉर्थ सी में। कहां गिरती है भैया? नॉर्थ सी में। निकलती कहां से? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। और लिख लीजिए, इसे विश्व की सबसे व्यस्त नदी भी बोला जाता है। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त नदी, सबसे बिजिएस्ट नदी बोला जाता है। राइन रिवर इज नोन एज बिजिएस्ट ट्रेड रिवर इन वर्ल्ड। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी भी कहते हैं। राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कहते हैं। ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री बनाती है, जर्मनी और फ्रांस की बाउंड्री बनाती है, और नीदरलैंड में, कहां पर भैया? नीदरलैंड में जाकर उत्तर सागर में गिर जाती है। नीदरलैंड में उत्तर सागर में जाकर गिर जाती है। और जर्मनी के राष्ट्रपति दोबारा कौन चुन लिए गए हैं भाई? फ्रैंक
वाल्टर, याद कर लो जर्मनी की राजधानी किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे है। नोट कर लीजिए, जर्मनी स्विट्जरलैंड की बाउंड्री कौन बनाता है? राइन नदी। जर्मनी फ्रांस की बाउंड्री कौन बनाता है? राइन नदी। नोट कर लिया। चलिए अगला करंट है बिहार से, बिहार के किसान। अभी कल ईशान किशन की न्यूज बताया था, ईशान किशन आईपीएल में भारत में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में 15.25 करोड़ में उनकी बोली लगी थी। अभी बोली लगा है बिहार में कुछ और लोगों का, उनका नाम देखिए। बिहार टीम के तरफ से खेलने वाले बिहार टीम, देखो ईशान किशन बिहार की तरफ से नहीं खेलते, ईशान किशन बिहार के हैं लेकिन वो बिहार की तरफ से नहीं खेलते। अभी जो न्यूज मैं दे रहा हूं आपको नोट कर लीजिएगा, बिहार की तरफ से खेलने वाले आईपीएल टीम में बोली लगी है किनका? बिहार के टीम से पहले क्रिकेटर अनुनय नारायण सिंह। नोट कर लीजिए, बिहार के टीम से खेलने वाले अनुनय नारायण सिंह, बिहार स्पेशल हो गया, बिहार के टीम की तरफ से खेलने वाले अनुनय नारायण सिंह पहले क्रिकेटर बन गए जिनको आईपीएल में बोली लगाई गई है। किसके तरफ से भैया? राजस्थान रॉयल्स। इनको किसने खरीदा है? हालांकि कमे पैसा मिला, 20 लाख मिला है, 15 करोड़ इनको नहीं मिला। इनको कितना मिला? 20 लाख। हाँ वो तो सबसे ज्यादा है। तो भैया राजस्थान रॉयल्स ने इसे खरीदा है। अनुनय नारायण सिंह को किसने खरीदा मेरे भाई? तो अनुनय नारायण सिंह को खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने, बिहार के टीम की तरफ से खरीदे जाने वाले बोली लगने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? अनुनय नारायण सिंह। इसके अलावा नदीम और अनुकूल भी ये बिहार की तरफ से खेलते हैं, इनकी भी बोली लगाई गई। नदीम और अनुकूल की भी बोली लगाई गई। तो पूछा जाए कि बिहार के क्रिकेट टीम से कौन कौन लोग चुने गए? सबसे पहला तो अनुनय नारायण सिंह, उसके बाद नदीम और अनुकूल, ये तीन लोग हैं जो बिहार टीम से, बिहार के टीम से जुड़े हुए हैं, बिहार रणजी टीम से जुड़े हुए हैं। कौन? अनुनय नारायण सिंह राजस्थान, और नदीम और अनुकूल, इनको बोली लगाई गई है। ये बिहार के लिए गर्व की बात है। ईशान किशन भी बिहार से हैं, हम गर्व महसूस करते हैं लेकिन वो बिहार टीम से नहीं खेलते। क्लियर है? आगे आते हैं भैया, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? उनका नाम है फवाद चौधरी। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए चीन के मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि देश में सेमीकंडक्टर से अर्थव्यवस्था का विकास होगा, सेमीकंडक्टर से अर्थव्यवस्था का विकास होगा, सेमीकंडक्टर से बिहार में टीम है। देखो बिहार टीम को हाल ही में मान्यता दिया गया है, पता होना चाहिए। बिहार टीम को हाल ही में, पहले मान्यता नहीं थी लेकिन हाल ही में इसे मान्यता प्रदान किया गया है। और नहीं भी मान्यता प्रदान किया गया था तो बिहार की तरफ से लोग खेलते थे, बिहार के लोग किसी और टीम में जाकर खेलते थे, लेकिन बिहार टीम को मान्यता दे दी गई है। पाकिस्तान सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? फवाद चौधरी। उन्होंने अपने देश में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए चीन से क्या मांगी है? मदद मांगी है। वर्तमान में पाकिस्तान के वित्तीय चुनौतियों से, पाकिस्तान अभी किससे घिरा हुआ है भैया? वित्तीय चुनौतियों, फाइनेंशियल चैलेंज से घिरा हुआ है, इससे उभरने में सेमीकंडक्टर काफी मददगार साबित होगा। सेमीकंडक्टर का जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो काफी हेल्पफुल साबित होगा पाकिस्तान को उसे फाइनेंशियल चुनौतियों से निपटने में। ये फवाद चौधरी हैं जिनका फोटो मैंने दिया है, ये सूचना और प्रसारण मंत्री है पाकिस्तान के। उन्होंने कहा सब कुछ तो चीन का ही है, क्या है पाकिस्तान में? अमेरिका ने जब से साथ देना बंद किया है सब कहां से ले रहे हो? चीन से। और देखिएगा एक दिन चीन उसको घेर करके कहेगा कि पूरे देश में चीनी सैनिक रहेंगे। आज से पाकिस्तानी सैनिक की छुट्टी, पूरे देश में चीनी एयरफोर्स, चाइनीज नेवी और चाइनीज आर्मी रहेगी। अब देखिए क्या होता है, कहीं चीन वाली स्थिति ना हो जाए इसकी। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मिले हैं ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य उद्योग मंत्री से, ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, उनका नाम है डैन तेहान। डैन तेहान ऑस्ट्रेलिया के व्यापार निवेश मंत्री हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की है पीयूष गोयल ने। और दोनों के बीच क्या हुआ है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अपने समकक्ष ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। पर्यटन यानी
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत के मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के मंत्री डैन तेहान के साथ क्या किया है, समझौता किया है, साथ में बातचीत हुई है, दोनों देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये जो है एक साल के भीतर इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच CECA एक साल के भीतर ही लागू होगा। हाल ही में भारत के मंत्री पीयूष गोयल किससे मुलाकात किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के डैन तेहान से मुलाकात करके पर्यटन पर एक समझौता किए हैं, साथ में CECA सिक्का, इसको क्या बोलते हैं भैया, सिक्का समझौता को एक साल में लागू होने की संभावना व्यक्त की गई है। CECA का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सिक्का यानी कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, इसे एक साल में लागू होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अभी पर्यटन पर एक समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मंत्री डैन तेहान और भारत के मंत्री पीयूष गोयल के साथ। नेक्स्ट आइए, अभी एक विवाद हुआ है, अभी राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक विजेता हैं, उनका नाम है भाई, उनका नाम है मनिका बत्रा। ये विवाद हुआ था, विवाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं निजी कोच अपॉइंट करूंगी अपने खेल के लिए, क्या करूंगी, निजी कोच, लेकिन उनको देश की तरफ से कोच दिया जा रहा था, उसको उन्होंने लेने से मना कर दिया। इसके लिए ओलंपिक समिति ने इन पर फाइन भी किया है, मनिका बत्रा पर ओलंपिक कमेटी ने क्या किया है, फाइन भी किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, भारत सरकार के कोच, देश की तरफ से जो कोच मिला उसको आप अपने टीचर रूप में स्वीकार कीजिए। पर इनका कहना है कि इस तरह के खेल में हमें निजी कोच रखने की छूट मिलनी चाहिए, जो इनको नहीं मिला, अब इन्होंने देश के कोच को कोच करने से मना कर दिया, टीचिंग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, जो काफी विवाद में था। तो राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा, इन्होंने याचिका दिया था दिल्ली हाईकोर्ट में कि भाई जो हुआ है मेरे साथ वो गलत हुआ है, एक टेबल टेनिस खिलाड़ी को, एक बैडमिंटन खिलाड़ी को, एक रेसलिंग के खिलाड़ी को, चूंकि एक व्यक्तिगत खेल है, ऐसे खेल में हमें अपना निजी कोच रखने की छूट मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर इन्होंने क्या किया कि नेशनल जो सरकार की तरफ से कोच दिया जा रहा था उसको लेने से इन्होंने मना कर दिया। इस बात को लेकर ओलंपिक समिति ने इन पर फाइन किया, इन पर क्या किया भैया, इनको फाइन किया गया, इन पर प्रतिबंध लगाया गया, ऐसे में इन्होंने केस किया है दिल्ली हाईकोर्ट में। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन के लिए एक समिति गठित कर दी है, टेबल टेनिस के संचालन के लिए एक दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बना दिया है, समिति, उसके अध्यक्ष बनाई गई हैं जम्मू कश्मीर की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है गीता मित्तल, नोट कर लीजिए। अभी मनिका बत्रा के याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या किया है, टेनिस महासंघ के संचालन के लिए, टेबल टेनिस महासंघ के संचालन के लिए एक दिल्ली हाईकोर्ट ने समिति बना दी है, उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है गीता मित्तल, जो जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं पहले, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को बनाया गया है टेबल टेनिस संचालन समिति का अध्यक्ष। ये मनिका बत्रा जो दिया था इन्होंने एप्लीकेशन, उनके एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए अभी क्या किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कमेटी गठित की है, ये सामने देखिए गीता मित्तल का मैंने चित्र दे दिया है, इनकी अध्यक्षता में, गीता मित्तल की अध्यक्षता में क्या बना दिया है, टेबल टेनिस महासंघ के संचालन समिति जो बनाई गई उसका अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि मामले को निपटाया जा सके। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है, टेबल टेनिस। और क्या विवाद था, विवाद था भैया हम निजी कोच रख सकते हैं, नोट करिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट करंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला करंट है अटल नवाचार मिशन, नोट कर लीजिए, और नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप की शुरुआत की गई है, नोट कर लीजिए, कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप,
ये शुरू किया गया है अटल नवाचार मिशन के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप, कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप की शुरुआत किसके द्वारा हुआ, तो अटल नवाचार मिशन के द्वारा हुआ, नीति आयोग के द्वारा हुआ, यूएनडीपी के द्वारा हुआ। क्लियर है? इस फेलोशिप को प्री इनक्यूबेशन मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दों के हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य के आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सामाजिक उद्यमों को स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा। यानी कि सामाजिक क्षेत्र में सामुदायिक मुद्दों को निपटाने के लिए युवाओं को क्या दिया जाएगा, कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप। और कहा जाएगा कि भैया आपको फेलोशिप दिया जा रहा है, आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है, आप कुछ ऐसा उद्यम, कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योर स्थापित कीजिए, कुछ ऐसा उद्यम स्थापित कीजिए जो समुदाय में भागीदारी करता हो। भारत के युवाओं के लिए अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी ने क्या शुरू किया, फेलोशिप शुरू किया है, जिसका नाम है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। इसमें क्या किया जाएगा, युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा, युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप ऐसा उद्यम स्थापित कीजिए जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए जरूरी है। किसके द्वारा शुरू किया गया भाई, तो यूएनडीपी के द्वारा। सामने देखिए, इस चित्र को देखिए, आपको सामने दिख रहे हैं राजीव कुमार, ये वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगर अध्यक्ष पूछे तो कौन होंगे भैया, कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। नोट कर लीजिए, उसके बाद मिस्टर अमिताभ कांत, ये सीईओ है नीति आयोग के, सीईओ। नोट कर लीजिए, नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। नोट कर लो, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ हैं राजीव कुमार, उपाध्यक्ष हैं और चिंतन वैष्णव कौन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर हैं। अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर कौन है, अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर। नोट कर लीजिए, ये कौन है भैया, चिंतन वैष्णव। अटल इनोवेशन मिशन, इसकी शुरुआत भी किसने की थी, नीति आयोग ने। अटल इनोवेशन मिशन भी किसका है भैया, नीति आयोग का। इसके अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर कौन है, चिंतन वैष्णव। और अमिताभ कांत सीईओ, राजीव कुमार उपाध्यक्ष, और ये कौन है, मिस सोका नोडा, ये प्रेसिडेंट है यूएनडीपी इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है, सोका नोडा, ये प्रेसिडेंट है यूएनडीपी भारत, पूरे यूएनडीपी का नहीं, इंडिया में जो यूएनडीपी का प्रोग्राम चल रहा है उसकी प्रेसिडेंट कौन है, मिस सोका नोडा। नोट कर लीजिए, राजीव कुमार उपाध्यक्ष नीति आयोग, अमिताभ कांत सीईओ नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर चिंतन वैष्णव और सोका नोडा, ये अध्यक्ष हैं यूएनडीपी इंडिया का, यूएनडीपी इंडिया की अध्यक्ष हैं। अभी क्या शुरू किया गया भैया, तो कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप, जो युवाओं को किस प्रकार के काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, सामुदायिक क्षेत्र में विकास करने के लिए मोटिवेट करेगा, कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप। सामने मैंने चित्र दे दिया है, इसको प्रारंभ किया गया है 11 फरवरी 2022 को प्रारंभ किया गया है। अभी अमेरिका शुरू करेगा सूर्य के अध्ययन के लिए, अमेरिका का नासा किसका है भैया, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन है, इसरो। जैसे मैंने कल बताया कि भैया इसरो शुरू करने वाला है, शुरू नहीं बल्कि इस साल का 2022 का पहला उपग्रह उसने छोड़ा है आज सुबह, जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 PSLV C-52 से, कल मैंने बताया था। तो भैया उसी प्रकार से जैसे भारत का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, वैसे ही अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, नासा। उसने दो नए सूर्य मिशन की शुरुआत करेगा, सूरज के अध्ययन के लिए, सन के स्टडी के लिए दो नए मिशन की शुरुआत करने जा रहा है। उस मिशन का नाम है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और दूसरे का नाम है हेलियो स्वार्म और मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, ये दोनों को भेजा जाएगा किसके लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए। अभी नासा
नासा, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, सूर्य के अध्ययन के लिए दो मिशन भेजेगा। पहले का नाम है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और दूसरे का नाम है हेलियो स्वर्म। हेलियो स्वर्म ये दो मिशन है नासा के जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट है भारत सरकार मदद करेगा। जैसे भारत में आधार कार्ड है, भारत में क्या है भाई, आधार एप्लीकेशन है, आधार कार्ड है। श्रीलंका चाहता है कि हम अपने देश में भी इसी तरह का एक पहचान पत्र विकसित करें, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है भाई कि हम श्रीलंका को मदद करेंगे। किसमें? उसका अपना आधार पहचान पत्र संस्करण को लॉन्च करने में। क्वेश्चन आ जाइए, पूछेगा आपसे कि श्रीलंका में जो आधार कार्ड जो पहचान पत्र बनेगा वो किस देश के सहयोग से बनेगा भाई? श्रीलंका का आधार एप्लीकेशन, श्रीलंका का जो पहचान पत्र है आधार जैसा, वो किसके मदद से बनाया जा रहा है? भारत की मदद से बनाया जा रहा है। नोट कर लो, सामने श्रीलंका का मैप दिया है, देख लो, सामने श्रीलंका का मैप है, ये श्रीलंका और भारत है। अगर बात करें श्रीलंका और भारत की, तो यहां पर भारत का एक जगह है धनुषकोटी, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, धनुषकोटी। और यहां पर श्रीलंका का एक जगह है जिसका नाम है तलैमन्नार, तलैमन्नार, नोट कर लो, तलैमन्नार और धनुषकोटी। पूछा जाए भारत और श्रीलंका के बीच सबसे कम दूरी किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच सबसे कम दूरी किन किन शहरों के बीच है, तो क्या बोलेंगे? भारत के धनुषकोटी और श्रीलंका के तलैमन्नार। नोट कर लो, भारत के धनुषकोटी श्रीलंका के तलैमन्नार के बीच सबसे कम दूरी है, लगभग 25 किलोमीटर मात्र। यहां से श्रीलंका कितना किलोमीटर है? मात्र 25 किलोमीटर। अगर आप धनुषकोटी चले गए रामेश्वरम के पास, तो वहां पर श्रीलंका का टावर पकड़ने लगता है, मोबाइल का श्रीलंका का टावर आपको मिलने लगेगा 25 किलोमीटर। अगर लंबा दूरबीन है तो देख सकते हैं श्रीलंका को, क्लियर है? तो श्रीलंका और भारत के बीच अलग करता है कौन? नोट कर लो, पाल्क स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। किसको अलग करता है? श्रीलंका और भारत को अलग कौन करता है जी? पाक स्ट्रेट। और यहां पर कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, लिख लीजिए, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। और हाल ही में श्रीलंका को ठग लिया है चीन ने श्रीलंका को ऐसा ठगा है कि बेचारा न बोलते बन रहा है, न रोते बन रहा है, न उगलते बन रहा है, न गाते बन रहा है। हालांकि भारत मदद करने को तैयार है। यहीं पर एक बंदरगाह है हम्बन टोटा, यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? हम्बन टोटा, जिसको चीन ने डेवलप किया था। श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह को किसने डेवलप किया? चीन ने। और श्रीलंका की राजधानी कहां है? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और श्रीलंका और भारत के बीच में सबसे कम दूरी कहां के बीच है? धनुषकोटी और तलैमन्नार के बीच। दोनों के बीच कौन सा स्ट्रेट? पाक स्ट्रेट मतलब पाकिस्तान नहीं। पाक स्ट्रेट किसको अलग करता है? श्रीलंका को भारत से। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। नोट कर लीजिए, श्रीलंका को स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जानते हैं। श्रीलंका को स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिए, आगे आइए, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आप जानते हैं कि 2014 में केंद्र की कांग्रेस सरकार, केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस। कांग्रेस सरकार ने 2014 के बजट में बिहार में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया। 14 से पहले बिहार में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं था। बिहार के लोग, बिहार के मुख्यमंत्री मोदी जी से हाथ फैला फैला के बोल रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को दे दीजिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, लेकिन मोदी जी उसको नहीं दिए। बिहार को दे दीजिए विशेष राज्य का दर्जा। हाल ही में संसद में हमारे मंत्रीगण, हमारे राज्य के सांसदों ने मांग उठाई है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं मिला। लेकिन बिहार में कांग्रेस ने दो केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, एक बिहार के मोतिहारी में और एक बिहार के गया के पंचानपुर में। गया में एक जगह है पंचानपुर। कोई गया से जुड़ा है तो बताओ भाई,
गया में एक प्लेस है पंचानपुर, वहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है। तो भैया बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी, इसे डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन का अवार्ड मिला है, डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड। क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार के किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड, तो होगा साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका हेडक्वार्टर कहा है गया जिले के पंचानपुर। गया जिले में एक जगह है पंचानपुर, यहाँ का रसगुल्ला फेमस है। गया के पंचानपुर का क्या फेमस है जी? रसगुल्ला, बढ़िया वाला जो रसगुल्ला होता है वही रसगुल्ला पंचानपुर का भी फेमस है। तो भैया गया जिले के पंचानपुर में स्थित है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ, नॉर्थ बिहार कहाँ स्थित है? नॉर्थ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मोतिहारी में है, मोतिहारी में है। लेकिन साउथ बिहार वाले को क्या मिला है? डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड। नोट कर लीजिए, ये सामने मैंने बोध गया के महाबोधि मंदिर का चित्र दिया है, सामने में देख लीजिए महाबोधि मंदिर है, बिहार का महाबोधि मंदिर। और नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है। यानी पूछा जाए बिहार के कितने प्लेस है जो यूनेस्को में शामिल है, तो क्या आंसर होगा मेरे भाई? तो होगा एक महाबोधि मंदिर बोधगया और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा और महाबोधि मंदिर बोधगया, इन दोनों को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? दो, एक उत्तर बिहार में मोतिहारी और दूसरा दक्षिण बिहार के गया के पंचानपुर में, जिसे डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नोट कर लीजिए, थोड़ा बिहार स्पेशल भी हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए बिहार का आन बान और शान सीतामढ़ी, बिहार का आन बान और शान हमारा सीतामढ़ी। देख लीजिए माता जानकी का मंदिर है सीतामढ़ी में, क्या है जी? माता जानकी के मंदिर का मैंने चित्र लिया है। अब यही आसपास माता जानकी, माता जानकी का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनने जा रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 251 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची माता जगदम्बा, माता जगदम्बा सीता जगत जननी, माता सीता का मूर्ति बनने जा रहा है, बना नहीं है, बनने जा रहा है सीतामढ़ी में, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से सीतामढ़ी में माता सीता के विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण करवाया जाएगा, इसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। इस मूर्ति के निर्माण के लिए श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन भी कर दिया गया है। श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति ये इस मंदिर का निर्माण करेगी, ऊंचाई होगा दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति होगा 251 मीटर ऊंचा मूर्ति माता जानकी का लगेगा। कहां लगेगा? सीतामढ़ी में। इसकी घोषणा किसने की? रामायण रिसर्च काउंसिल ने घोषणा की। कौन बनाएगा? ये जो समिति बनाई गई है श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति, ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले करंट की ओर। अगला करंट है भैया, अगला करंट है बिहार के पंचायतों से। बिहार में पंचायती राज मंत्री कौन है? कौन है भैया पंचायती राज मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। उनका पिक मैंने दे दिया, देखो सम्राट चौधरी का चित्र है, ये पंचायती राज मंत्री हैं। इन्होंने घोषणा किया है कि अब डीडीसी पंचायत के सीईओ पद पर नहीं रहेंगे। इन्होंने आज घोषणा की है कि डीडीसी अब ग्राम पंचायत जो छोटे थे बिहार में उनके क्या होते थे? जिला के ग्राम पंचायत, एक जिले में जो ग्राम पंचायत होता था उसके सीईओ कौन होते थे? डीडीसी। जो भी डीडीसी होगा वो ग्राम पंचायत का सीईओ होगा। नहीं, अब कह दिया कि डीडीसी अब सीईओ नहीं होंगे। कौन होंगे? सचिव स्तर के अफसर, जो सेक्रेटरी लेवल के स्तर अफसर होंगे, सेक्रेटरी लेवल के जो अफसर होंगे उनको अब क्या बनाया जाएगा? डायरेक्ट सारे ग्राम पंचायतों के सीईओ बना दिया जाएगा। अब डीडीसी से उसका छीन लिया गया, माने एक कमाई का जरिया डीडीसी का खत्म हो गया, समझ लीजिए। तो भैया डीडीसी अभी तक बिहार में ग्राम पंचायत के सीईओ होते थे, अब कौन होंगे? जो सचिव स्तर के अधिकारी होंगे ये होंगे। इसकी घोषणा किसने की? सबसे योग्य मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है। तो क्लियर भैया, आज का करंट हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कैसा लगा करंट आप कमेंट करके जरूर बताएं, कैसा लगा आज का करंट, क्या लगा, कैसा लगा? चूंकि मैंने, मेरी पूरी कोशिश है कि आप यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का भी पेपर देते हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन काम आ जाए। हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो लेवल है, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके अलावा
दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, इसके बाद नेशनल ट्रिब्यून, इसके अलावा आपको बात इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सभी अखबारों का निचोड़। इतना ही नहीं, संसद टीवी, आपने सुना होगा संसद टीवी, उसका भी मैंने न्यूज लाने की कोशिश की है और पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच में काम चल रहा है। सेशन के साथ जुड़े रहिए। कैसा लगा सेशन एक बार बता दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जल्दी लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कैसा लगा सेशन, कैसा लग रहा आपको मेहनत, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको कोई सुझाव है कि सर और किया, जैसे आपने कहा कमेंट में कि सर बिहार स्पेशल जोड़िए, तो मैंने आज बिहार स्पेशल जोड़ा है और हर दिन 4-5 करंट अफेयर बिहार का अब रहेगा ही रहेगा। पूरे एक साल का बिहार करंट अफेयर भी मैं कराऊंगा, लेकिन पूरा करंट बिहार का नहीं होगा। इसमें से जैसे मान लो 50 करंट करा रहा हूं तो 5-6 करंट में बिहार का रखूंगा, ये आपको प्रॉमिस करता हूं। हर रोज के करंट में 5-6 बिहार स्पेशल रहेगा। तो लगातार आप सेशन से जुड़े रहिए। कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके बता दीजिए। सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मिशन 50 आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, मिशन आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, रंजीत कुमार सिंह आईएएस सर हैं उनका भी एक टेलीग्राम चैनल है। तीनों चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम रात होते होते हर रोज का टेलीग्राम पर क्या हो जाता है, पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। तो इसलिए पीडीएफ के लिए ना घबराएं, पीडीएफ का प्रिंटआउट निकलवा लें हार्ड कॉपी और उसको क्या करें रिवीजन करते रहें, ताकि हम बहुत जल्द 150 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाले हैं इसी सेशन में। जो मैंने करंट अभी तक कराया उसका 150 क्वेश्चन का सेट एमसीक्यू लेने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाइए रिवाइज करके, ताकि मैं आपका एक टेस्ट ले लूं। चलिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।